भक्ति कहीं साधक के हृदय में बनी रहती है। श्री सनातन गोस्वामी जी उसी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, श्री भक्ति सिद्धा शास्त्र उसी का वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा नाम इष्ट भगवत कृपया भक्त संगता, जो आत्मा नाम हो गए हैं, ब्रह्मलीन भी हो गए हैं, उनने भी जो भक्तों का संग किया था, जो भक्ति की थी, वो भक्ति रूपी हीरा निंदला, जो ज्ञान रूपी जो मूंग थे वो तो गल गए, जो सात्विक जो प्राकृत वस्तु थी वो तो गल गई और अप्राकृत वस्तु बच गई। भक्ति अप्राकृत है इसलिए वो बच गई, और भक्ति जब बच गई तो संतज ब्रह्म निष्ठात्म भक्ति मार्गम विशंति ही। मोक्ष हो जाने पर भी कोई कोई संतगण पुनः शरीर धारण करके ठाकुर की सेवा करने लग जाते हैं। तो मुक्ता अपि लीला विग्रहं कृत्वा ठाकुर की लीला से आकर्षित होकर के, और ठाकुर यदि चाहें अनुमोदन करें तो वे विग्रहं कृत्वा शरीर धारण करके भगवंतं भजन्ति, भगवान का भजन करने के लिए विराजमान हो जाते हैं। तो आत्मा रामस्य आत्मा रामगण भी भगवान की कृपा से और भक्त संगता, जो भक्त संग हुआ है उस भक्त संग के कारण संतज ब्रह्म निष्ठात्म ब्रह्म निष्ठा का त्याग करके भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। मुक्ताश्चास्यतया शक्त्या सच्चिदानंद देहिताम प्राप्तास्ते भजन्ते तम तादृशै कर्णै हरि। अब दूसरे एक भक्तगण है, दूसरे एक मुक्तगण है, तो मुक्ताश्चितया शक्त्या भक्ति की शक्ति से सच्चिदानंद देहिताम, वो जो मुक्त हुए और जिनने जिनकी भक्ति नष्ट नहीं हुई, भगवान क्या करते हैं अपनी भक्ति की शक्ति से उनको पार्षद देह भी प्रदान कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा साधन करा करके जल्दी से वे पार्षद देह को भी प्राप्त कर लेंगे। तो मुक्ताश्च माने मुक्त जन भी तया शक्त्या उस भक्ति के प्रभाव से ही सच्चिदानंद देहता को भी प्राप्त कर लेते हैं। माने पहले साधन करेंगे, साधन करके फिर पार्षद रूप को भी प्राप्त कर लेंगे। प्राप्तास्ते भजन्ते तम तादृशी करणी हरि, और अब उनके पास में जो इंद्रियां आ जाएंगी वो इंद्रियां चिन्मय पार्षद देह की इंद्रियां होंगी, उन पार्षद देह की इंद्रियों से वे भगवान का भजन करते हुए विराजमान होंगे। इसलिए मुक्तों का भी मुक्ति तो दोनों को हो गई, ज्ञानी को भी मुक्ति हुई और एक भक्त को भी मुक्ति हुई। किसी किसी ज्ञानी के ऊपर यदि संत की कृपा है और कृपा इतनी ऊर्जस्वत भी है, इतनी प्रभावशाली भी है, तो उस कृपा से उनके हृदय में भी ये कहीं उनमें भी ये भावना उत्पन्न हो सकती है कि हम भी ठाकुर की सेवा करते तो भक्ति ही उनको पुनः देह प्रदान करके सेवा सुख में भी प्रवृत्त करा सकती है। सिद्धांत क्या हुआ? सिद्धांत ये हुआ कि ज्ञानी जन तो प्रायः भक्ति में आते हुए दिखते हैं, परंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे कभी भी भक्ति छोड़ करके साईं जी सुख नहीं चाहते। ये निर्णय की बात, ज्ञानी जनों में भक्ति की अभिलाषा दिखती है। श्री शुकदेव जी जैसे ब्रह्मलीन होने वाले वे पुनः भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गए, संकादिक पुनः भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गए, परंतु कोई भक्त कृष्ण चरणों को छोड़कर के मुक्त हुआ हो यह दृष्टांत शास्त्र में प्राप्त नहीं होता है। साधन अवस्था में भक्ति जरूर की गई, परंतु यदि भक्ति को प्राप्त कर लिया तो भक्ति को प्राप्त करके भक्ति के चरणों को छोड़ करके कृष्ण माधुरी को छोड़ करके कोई ज्ञान में प्रवृत्त होता हुआ नहीं दिखता है। स्वात्मा राम तो अहंकार त्याग मात्रेण सिद्ध्यति। बोल स्वात्मा रामता की सिद्धि कैसे होती है? बोल स्वात्मा रामता की सिद्धि यदि अहंकार का त्याग हो जाए तो आत्मा रामता की सिद्धि अपने आप हो जाए। यदि दो तरह के अहंकार हैं हमारे पास में, कौन से अहंकार? दो तरह के अहंकार हैं,
एक अहंकार है हमारा स्वरूपभूत अहंकार, स्वरूपभूत अहंकार, उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में जैसे कर रहे हैं कि जीव स्वरूप नित्य कृष्ण दास, वो नित्य कृष्ण दास होकर के विराजमान, मैं कृष्ण का अंश हूं कृष्ण दास हूं, ये हो गया स्वाभाविक अहंकार। दूसरा अहंकार क्या हुआ, काम्य कोटि का अहंकार। काम्य कोटि का अहंकार कौन सा है, बोले जो कहीं सूत्र और महत इनके कारण जो अहंकार हमको प्राप्त हुआ है। सृष्टि जब हुई तब क्रिया शक्ति रूप प्राण और ज्ञान शक्ति रूप महत, ये दोनों मिले हुए उत्पन्न हुए। महत और बुद्धि में थोड़ा अंतर है, बुद्धि और महत दो अलग अलग वस्तु हैं। सृष्टि के प्रारंभ में तीन गुणों से सबसे पहले महातत्व की उत्पत्ति हुई, महातत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार तीन प्रकार का, सात्विक राजस तामस, उनमें सात्विक अहंकार से मन, राजस से इंद्रियां और तामस से पंच महाभूत उत्पन्न हुए। ये सृष्टि की प्रक्रिया है। तो जहां पर मन या अंतकरण कहा गया, वो अंतकरण में जो बुद्धि है और जो महत है, उन दोनों में अंतर है। महत वह वस्तु है जिसमें बुद्धि तक ज्ञान भी विराजमान है, साथ ही साथ में उसमें क्रिया शक्ति भी विराजमान है। तो क्रिया शक्ति और क्रिया शक्ति माने प्राण और महत माने ज्ञान शक्ति, इच्छा ज्ञान क्रिया तीन शक्तियां हैं। तो इच्छा ज्ञान और क्रिया, तो क्रिया और ज्ञान ये दोनों शक्तियों का मिश्रित जो रूप है वो यह है सूत्र और महत। सूत्र और महत ये दोनों उत्पन्न हुए। सूत्र माने प्राण क्रिया शक्ति और महत माने ज्ञान, ये दोनों मिले हुए। तो जहां सूत्र से मिला हुआ महत विराजमान है उसका नाम है महत। और फिर बुद्धि के साथ में जो उत्पन्न हुआ, मन के साथ में जो उत्पन्न हुआ वो है बुद्धि, उसको निर्णयात्मक बुद्धि कहेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार इनमें जो बुद्धि है वो निर्णयात्मक होकर के विराजमान। तो आत्मा नामता कैसे प्राप्त हो जाएगी, बोले अहंकार का जहां त्याग किया वहीं आत्मा नामता प्राप्त हो जाएगी। मैं देह नहीं हूं जी, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। तो एक अहंकार को रहेगा, मैं माने कृष्णदास जो सच्चित आनंद है वो अहंकार को रहेगा। और काले कोटि का जो अहंकार था, महातत्व से उत्पन्न होने वाला जो अहंकार था उसका नाश हुआ। तो हमने दो अहंकार विद्यमान है, एक अहंकार तो है कि ये जीव मैं कृष्णदास हूं, परंतु ये जो मैं है वो मैं गोरा में ब्राह्मण में क्षत्रिय में वैश्य में शूद्र में स्त्री में पुरुष में बूढ़ा में युवा, ये जो मैं धनी मैं गरीब, ये जो अहंकार है ये काल कोटि का अहंकार है। काल कोटि के अहंकार की नाश का नाश होगा, स्वरूप कोटि के अहंकार का नाश नहीं होगा। तो यदि काली कोटि के अहंकार का नाश कर लिया जाए तो स्वात्मा रामता आ जाएगी। मैं कौन, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गुण कर्म काला है। ये व्यक्ति मुझे कष्ट नहीं दे सकता है। तितिक्षु ब्राह्मण एकादश स्कंद में कह रहा है कि व्यक्ति व्यक्ति को कष्ट नहीं दे सकता, व्यक्ति ने व्यक्ति को कष्ट दिया होगा, अर्थात पांच महाभूत का बना हुआ ही शत्रु है और पंच महाभूत का बना हुआ ही मेरा शरीर है। एक पंच महाभूत ने दूसरे पंच महाभूत को पीटा है, मेरी आत्मा को थोड़ी पीटा, मैं तो आत्मा हूं नहीं, मैं क्यों दुखी हूं। नायम जना, जन माने पंच महाभूत का बना हुआ शरीर, पंच महाभूत के शरीर को कष्ट दे रहा है, मेरी आत्मा को कष्ट थोड़ी दे रहा है, मैं क्यों दुखी हूं। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता, बोले देवता कष्ट दे रहे होंगे, बोले नाना हाथ का देवता है इंद्र और सिर का देवता है प्रजापति, किसी ने हाथ में लक्ष्य लेकर के सिर फोड़ा तो यह भी तो कहा जा सकता है कि इंद्र ने प्रजापति को फोड़ा, आत्मा को थोड़ी फोड़ा है, मैं तो आत्मा हूं मैं देवता नहीं हूं, इसलिए मैं क्यों दुखी हूं। न देवता आत्मा, बोले क्या आत्मा माने जीवात्मा सुख दुख का कारण है, बोले जीवात्मा ही सुख दुख का कारण है तो उसको सुख दुख हो ही नहीं सकता है। यदि सुख दुख जीवात्मा के गुण होते
तो वो उनसे कभी दुखी होता ही नहीं। अग्नि का ताप क्या अग्नि को लगता है क्या? बर्फ की ठंड में क्या बर्फ ठिठुरती है क्या? बर्फ तो बर्फ की ठंड से ठिठुरेगी? अग्नि का ताप अग्नि को तो कष्ट प्रदान करेगा, भी किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट देगा? तो यदि सुख दुख आत्मा के गुण होते तो आत्मा दुखी होती नहीं, परंतु मैं दुखी हो रहा हूं इसका मतलब है, यदि मन दुखी हो रहा है इसका मतलब है कि मन अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है, और ये जो सुख दुख है ये आत्मा के गुण नहीं है, ये मन के गुण है। इससे दुख मिला है तो मन को मिला होगा, मुझे क्या मिला, मैं तो शुद्ध रुद्र मुक्त हूं। उस ब्राह्मण को जब कष्ट दिया जा रहा था, उसके ऊपर कोई थूक रहा है, कभी भोजन करने के लिए बैठे तो कोई कोई दुष्ट तो आकर के उसके भिक्षा पात्र में मूत्र कर रहे थे, इतना इतना कष्ट दे रहे थे। कोई उसके कमंडल को छीटे को छीने, कोई उसके योग पट्ट को छीने, कोई उसके दंड को छीने, कोई उसके पात्र को ले जाए कह लेगा और फिर नींद दे रहा है, दिखा रहा है, ऐसे ऐसे कष्ट पा रहा है। उस समय वो ब्राह्मण ये गीत गा रहा है कि नायन जन्मों में सुख दुख हेतु न देवता न आत्मा, गुण बोल क्या गुण सुख दुख के कारण है। वो कहता है ना रजोगुण ने तमोगुण को परेशान किया होगा, तमोगुण ने रजोगुण को दबाया होगा, सत्वगुण ने रजोगुण तमोगुण को दबाया होगा, मैं तो गुण हूं नहीं, कभी सुख मिल रहा है कभी दुख मिल रहा है कभी मोह मिल रहा है, ये गुण एक दूसरे को दबा रहे हैं, मुझे काय को दबा रहे हैं, मैं कोई गुण थोड़ी हूं, मैं तो भाई सच्चित आनंद हूं। दो अहंकार, प्राकृत अहंकार को तो निषेध कर रहा है, और जो स्वरूपभूत अहंकार है, मैं कौन हूं, कृष्ण का दास हूं, मैं तो कृष्ण का अंश हूं, न देवतात्मा गुण। कर्म बोल क्या कर्म कारण है क्या? विचार कर ना, कर्म तो जड़ है, कर्म तो अपने आप में कार्य कर ही नहीं सकता है, आत्मा से प्रकाशित होकर के कर्म कहीं प्रभाव डालने वाला होगा। जड़ चेतन को कैसे प्रकाशित कर सकता है? चेतन तो जड़ को प्रकाशित करेगा, परंतु जड़ चेतन को प्रभावित नहीं कर सकता है। गुण कर्म, मेरी चेतना से कर्म प्रकाशित हो रहा है, परंतु कर्म से मैं प्रकाशित नहीं हो रहा हूं। यदि मैं प्रकाशित हो रहा हूं तो भ्रम है। जो सरोवर का चंद्रमा हिल रहा है, नवचंद्र तत्वतः हिल नहीं रहा है, यदि हिला हिलता हुआ मानता है तो इसका मतलब है कि वो भ्रम है, वो सत्य नहीं है। इसलिए गुण कर्म, कर्म भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बोले काल भी भगवान की शक्ति है और जीव भी भगवान की शक्ति है, दोनों ही भगवान की शक्ति है, दोनों ही प्राकृत नहीं है। जीव भी सच्चित आनंद है और काल भी भगवान की शक्ति होने के कारण बड़ा प्रभावशाली होकर के विराजमान है, वो गुणों के का शासक होकर के विराजमान। तो जब मैं भी भगवान की शक्ति हूं और काल भी भगवान की शक्ति है, तो भगवान की स्वरूप शक्ति पूरी तरह से स्वरूप शक्ति तो नहीं, परंतु जो सैनी स्वरूप शक्ति जैसे हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति से मिलते जुलते जो हैं, वो एक दूसरे को क्यों प्रभावित करेंगे? क्या राजा का एक सिपाही दूसरे सिपाही के साथ में लड़ता है क्या? इसलिए मैं भी राजा का सिपाही हूं, काल भगवान भी भगवान है और भगवान के ही एक अंश हैं, तो भगवान क्या जीवात्मा को कष्ट देंगे क्या? इससे काल भी कारण नहीं है। बोले यदि ग्रह माना जाए, बोले ना, ज्योतिषियों के साथ में रहकर के हमने ये देखा कि ज्योतिषी तो ये कहते हैं कि भाई ये ग्रह उस ग्रह को मित्र दृष्टि से देख रहा है, ये ग्रह उस ग्रह को क्रूर दृष्टि से देख रहा है। तो भैया सूर्य बृहस्पति को क्रूर दृष्टि से देख रहा होगा, आत्मा को तो नहीं देख रहा है, मैं कोई ग्रह थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं क्यों प्रभावित हूं? ऐसा कहकर के वो जो तितिक्षु ब्राह्मण है, वो तितिक्षु ब्राह्मण ये कहता है कि नहीं नहीं, निर्णय पर मैं ये पहुंचा कि मन सुख दुख का कारण है,
आत्मा से प्रकाशित मन ने ये मान लिया कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, आत्मा को भ्रम हो रहा है। इस भ्रम को आत्मा जैसे ही छोड़ेगी, मन अपने जिए चाहे मरे बेटा, हमें क्या करना, हम तो साक्षी हैं। जैसे ही आत्मा में साक्षी भाव आएगा, वैसे ही मन के सुख दुख से वो तनिक भी प्रभावित नहीं होगा। और मैंने इस समय साक्षी भाव धारण कर लिया है कि मैं न मन हूं, न देवता हूं, न गुण हूं, न काल हूं, मैं तो केवल साक्षी होकर के विराजमान हूं। साक्षी होकर के विराजमान होकर के मेरा काम केवल यह है कि इन सबों को शक्ति प्रदान करना। जो बिजली आ रही है, करंट आ रहा है, वो ये विचार नहीं कर रहा है करंट कि मेरा सदुपयोग किया जाएगा कि मुझे छू करके कोई मरेगा। उसका काम तो केवल जो विद्युत कण हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को पार करना है, तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को का प्रवाह प्रस्तुत करना है। वो तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव, इलेक्ट्रॉन्स का केवल प्रभाव प्रस्तुत करेगा, प्रवाह प्रस्तुत करेगा। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं, बिजली के स्विच को इस बात से कोई मतलब नहीं कि स्विच ऑन करने पर कोई मरेगा कि पंखा चल के हवा खा करके आनंदित होगा। ऐसे ही मेरी आत्मा तो केवल प्रकाश मात्र करने वाली है। ये मन दुखी हो रहा है तो हो तू मत, ये प्रसन्न हो रहा है तो भैया तू खुश रहे, मुझे उससे क्या, मैं तो केवल साक्षी मात्र होकर के विराजमान हूं, मैं तो अलग होकर के केवल प्रेरक मात्र होकर के विराजमान। और ये साक्षी भाव यदि कहीं धारण कर लिया जाए तो सुख दुख सबकी निवृत्ति हो जाएगी। तो सुख दुख की निवृत्ति करने के लिए तो ज्ञान और वैराग्य हो गए। और जैसे ही ये अनुभव किया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं तो मैं तो कृष्ण की सेवा करूंगा, और ये जितने भी शरीर के अंग मुझे मिले हैं ये भगवान की सेवा के लिए मिले हैं। मन यदि गड़बड़ करे तो मन के कान पकड़ते हुए कहूंगा, ए मन, मैंने तुझे स्वीकार किया है, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया है, खबरदार, यदि मेरे आदेश के अनुसार नहीं पड़ेगा चलेगा तो तुझे हंटर लगेंगे। घोड़ा यदि जो सवार है उसके हिसाब से नहीं चलेगा तो उसे पीटा जाएगा। ए शरीर, तू इधर गड़बड़ मत कर, वरना आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तुझे मौन रहना पड़ेगा। तो हमें शरीर के ऊपर शासन करना है, शरीर हमारे ऊपर शासन न करे, ये आवश्यक भी है। तो एक ज्ञानी इस तरह से तो वैराग्य धारण करता है, शरीर के ऊपर शरीर का सदुपयोग करेगा कि जिस मोटिव के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मुझे शरीर मिला है, मैं उसका उपयोग करते हुए विराजमान हूं। तो यहां पर कह रहे हैं कि आवंतर फलम भक्ते है एवं मोक्षादि, यद्यपि भक्ति का अवांतर फल जो है वह मोक्ष इत्यादि है। आत्मानंदता की प्राप्ति तो अहंकार के त्याग मात्र से हो जाएगी। सुखो अतीव तत्यागो मतस्तत्व वेद भी, वो त्याग जो है वह भी थोड़ा सा विवेक धारण किया जाए तो सुकर हो जाएगा। विवेक के द्वारा त्याग सुकर हो सकता है। इसके स्वात्मानंदता प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो भक्ति के द्वारा स्वात्मानंदता प्राप्त हो जाएगी, आत्मानंदता प्राप्त हो जाएगी, ये बात सिद्ध कर दी। अब कह रहे हैं भक्ति के द्वारा मोक्ष भी बड़ी सरलता से मिल सकता है कि आवांतर फलम भक्ते मोक्षादि, यद्यपि मोक्ष भक्ति का आवांतर फल है, सहायक फल है, तथापि नात्मारामत्वं ग्राह्यं प्रेम विरोधितः। परंतु भक्तगण कभी भी आत्मारामता धारण करके विराजमान नहीं होते हैं, क्योंकि वह प्रेम का विरोधी है। ज्ञान में आत्मारामता गुण है और भक्ति में मैं तो पूर्ण हो गया, ऐसा कोई भक्त सुना नहीं कभी। अनेक भक्तों का दर्शन किया, जो भी भक्त से मिले वो रोते हुए दिखे, अरे भैया आप जरा भी भक्ति नहीं है, हम पे तो कुछ आता ही नहीं, यही रोते हुए आए, हाय कब दर्शन होंगे, कुछ नहीं हुआ, सारा जीवन व्यतीत हो गया, हाय बहुत थोड़ा सा समय रहा, क्या करें अब क्या करें।
जो जितना भजन कर रहा है वो उतना ही ज्यादा रो रहा है ये जगत की। तो इसलिए भक्ति में आत्मानंदता दोष है, ज्ञान में आत्मानंदता, ज्ञानी नहीं हुआ है आत्मानंद फिर भी मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त और बोर्ड भी लगा देगा कि यह परमहंस आश्रम है, ये परमहंस अज्ञान परमहंस वहां पर रहेंगे नहीं, परंतु उनके लिए ठीक है, उनकी दृष्टि से ठीक है कि अनुभूते अभावे भी ब्रह्मास्मित विभावे, एक ज्ञानी को अनुभूति नहीं है परंतु वो मैं ब्रह्म हूं ये अनुभव करेगा, क्योंकि यदसत प्राप्यते ध्याना नित्यात्म वस्तु किम पुनः, असत वस्तु का भी ध्यान करें तो वह सामने उपस्थित हो जाती है, लड्डू मिले और मन के लड्डू खाई जा सकते हैं, परंतु जो ब्रह्म नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात। इसलिए वे कहते हैं कि यदि परमहंस नहीं है फिर भी परमहंस आश्रम महाव्रत आश्रम ये कह दिया जाएगा, वहां पर कहने में कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु भक्तगण ऐसा कभी नहीं कहेंगे। भक्त भक्ति का एक स्वभाव है कि उसमें आत्माराम का विरोधी होने के कारण कभी भी ग्राह्य नहीं है। अंत में कह रहे हैं भक्ते है फलम परम प्रेम, भक्ति का फल प्रेम है और प्रेम में तृप्ति का अभाव रहता है, प्रेमी जन को कभी भी तृप्ति नहीं होती है। आवंतर फले श्वेत इति हेम सतामतम, इसलिए आत्मरामता एतत माने आत्मरामता आवंतर फलेषु, भक्ति के साथ में जो आवंतर फल आते हैं उनमें भी सबसे ज्यादा है। भक्ति के द्वारा पैसा मिल गया, ध्रुव को राज्य मिल गया तो राज्य को लेकर के दुखी नहीं है, परंतु आत्मरामता उसको कभी भी कोई भक्त स्वीकार करेगा ही नहीं। ध्रुव राज्य को तो स्वीकार कर लेंगे परंतु आत्मरामता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आत्मरामता भक्त को आ रही है परंतु आत्मरामता को भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करता है, परम हे होकर के विराजमान है। अतः भक्तिम बिना तिद्धांत असंतोषो भवेन्नता, भक्ति के बिना यदि आत्मरामता की प्राप्ति हो जाए तत्सिद्ध असंतोषो भवेन्नता। श्रीमद भागवतेन्द्राणाम मते सही गुणो महान, भक्ति के बिना आत्मरामता आ जाए और उस आत्मरामता से संतोष नहीं हो तो ये समझना चाहिए कि यह बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति आत्मराम पूर्ण काम हो भी गया परंतु उसमें आत्मरामता नहीं आ रही है तो इसे महान गुण ही समझना चाहिए, अर्थात भजन करते करते परम कभी कभी आस्वाद की प्राप्ति भी हो गई, कभी स्वप्न में भी ठाकुर जी के दर्शन हो गए, कुछ अनुभूतियां भी हो गई, आत्मरामता भी आ गई, परंतु कोई भी भक्त उस उतने से दर्शन को प्राप्त करके क्या कोई सिद्ध कभी अपने आप को ये कह रहा है अरे बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं आगे भजन नहीं करूंगा, क्या किसी सिद्ध ने कभी ऐसा कहा? कभी नहीं। जिनको साक्षात कृष्ण माधुर्य का आस्वादन हो गया, क्या आस्वादन होने के बाद में उन्होंने कभी भजन त्याग कर दिया? क्या कभी नहीं। श्री काममन के सिद्ध बाबा को रामकृष्ण ग्वाल बनकर के पानी पी रहे हैं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं, परंतु दर्शन करने के बाद में क्या उन्होंने कभी विचार किया कि अरे अब तो मुझे कृष्ण दर्शन हो गया, भजन भजन क्या माला उठा करके रख दो, क्या उन्होंने ऐसा किया? बिल्कुल उल्टे दुखी हो रहे, हाय रामकृष्ण मेरे पास में आए, मैं मुझसे पानी मांगा, मैं पानी पिला भी रहा हूं उनको और फिर भी कह रहा हूं अरे क्यों और ग्वालिया क्यों हमें परेशान करो, भजन से उठ के आना पड़े तुम पानी पिला देता ही। श्री कृष्णदास बाबा मानसी गंगा में डूब रहे हैं, प्रिया जी के नूपुर को ढूंढ करके ला रहे हैं, किशोरी जी दर्शन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, प्रसादी पान दे रही है, खा रहे हैं, परंतु क्या उन्होंने ये कभी कहा क्या जी साहब मुझे तो किशोरी जी का प्रसादी पान मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम क्या होते हो भग जाओ यहां से और अब मैं भजन नहीं करूंगा, मुझे तो सिद्धि मिल गई, क्या आत्मारामता उनमें आई? क्या कभी आत्मारामता कभी नहीं आती है। तो संत को जितना जितना अनुभव होता है इतने पर भी आत्मारामता नहीं आती है। ज्ञानी में
अनुभव न होने पर भी आत्मारामता का वह अभिमान धारण करके बैठता है, जिससे झूठा करते करते कभी सच्चा हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का तात्पर्य भक्ति सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान, भक्ति का फल सेवा ही है और सेवा में उत्कंठा निरंतर निरंतर बढ़ती रहती है। श्री चंद्रशेखर दास बाबाजी महाराज का प्रथम तिथि आ रही है और उसमें सेवा का अवसर मिला है। कल से वहां पर श्री अली माधुरी कुंज चंद्रशेखर दास बाबा जहाँ पर रहते थे उसके बगल में ही नेक्स्ट अली माधुरी कुंज है। उस अली माधुरी कुंज में 2 बजे से कल व्यस्तता रहेगी, इसलिए यहाँ की सेवा कल 5 तारीख से और 12 तारीख तक स्थगित रहेगी। फिर इसके बाद में सेवा दर्शन कर देंगे। तो पर यहाँ के जो क्रम है वो तो कोई को किस तरह से चालू रहेगा ही, तो यहाँ का जो क्रम है वो तो कोई ना कोई दूसरे आकर की सेवा करेंगे, तो ये दास यहाँ पर सेवा नहीं कर सकेगा। सब लोग कृपा करके वहाँ पर दर्शन दें जैसी सुविधा हो। वहां पर 2 बजे से 6 बजे तक का वहां श्रीमद भागवत जी सप्ताह है, श्रीमद भागवत सप्ताह तो संपूर्ण सप्ताह। अली माधुरी ये तो उनका वर्ष अली माधुरी लिखा भी हुआ है, पता नहीं पोस्टर लगाया है। अच्छा लगाया है तो ठीक है, मुझे याद है लगाया अली माधुरी ज्योत्सना दीदी और सब लोग माने वो व्यवस्था करते हैं सेवा मिले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय श्रीताय गौर हरि